दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी पेपल का इस्तेमाल करते हैं और पेपल में आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं, मतलब कि ऐड करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं हाउ टू लिंक बैंक अकाउंट इन पेपल। दोस्तों इस कम्प्लीट वीडियो में आपके लिए हम कम्प्लीट जानकारी देंगे, तो इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप अपना पेपल में बैंक अकाउंट अपने मोबाइल से भी ऐड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सिंपल कोई भी ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पे सर्च करना होगा paypal.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पेपल की ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है आपके सामने आ जाती है। हालांकि थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड कम ले रहा है, लोड होने में तो आप देख पाएंगे लोड हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप मोबाइल में भी देख रहे हैं तो आपको ऐसा ही पेज देखने को मिलेगा, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं तब भी आपको ऐसा ही पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे ऊपर लॉगिन एंड साइन अप का बटन देखने को मिलता है ना। अगर आपका ऑलरेडी पहले से अकाउंट है तभी आप अपना बैंक अकाउंट को पेपल से जोड़ना चाह रहे हैं तो आपको सिंपल साइन इन पे क्लिक कर देना होता है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आपको अपनी जो पेपल की ईमेल आईडी होती है, जो आईडी होती है वो डालना होता है और यहाँ अपना पासवर्ड डालना होता है। डालने के बाद आपको सिंपल लिखा हुआ है लॉगिन, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको चंद सेकंड वेट करना होगा, है ना, आपका जो अकाउंट है पेपल में ओपन हो रहा है। तो यहाँ अपन चंद सेकंड वेट करेंगे, है ना। और हालांकि मेरे जो कंप्यूटर है उसकी नेट की स्पीड भी थोड़ी स्लो चल रही है, मतलब मुझे आज जो नेट की स्पीड मिल रही है काफ़ी कम मिल रही है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ अपन थोड़ा सा वेट करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है, ठीक है, जो कि एक पेपल अकाउंट का जो ऑफिशियल डैशबोर्ड होता है। अब ध्यान दीजिए, आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना होता। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपका जो भी नाम से पेपल अकाउंट है आपको वो नाम यहाँ देखने को मिल जाता है और यहाँ कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ आपका जो नाम लिखा हुआ है राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो आपको देख पाएंगे जो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है अंकित साहू, जो राइट साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है अंकित साहू। तो जो राइट साइड में आपको नाम देखने को मिल रहा है ये वाला, जो भी आपका मतलब नाम होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको आना होगा अकाउंट सेटिंग पे, देख सकते हैं लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे अकाउंट सेटिंग, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे 10 सेकंड यहाँ आपको वेट करना होगा, आपके सामने एक और नया पेज खुल के ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। अगर आप मोबाइल में है तो ये जो ऑप्शन है आपके नीचे आएंगे, तो आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जहाँ पे लिखा हुआ है मनी बैंक एंड कार्ड, ये देखिए। अगर आप डेस्कटॉप में देख रहे हैं तो आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं ये वीडियो तो आप जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको मोबाइल के नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा मनी बैंक एंड क्रेडिट कार्ड, ये आप जैसे देख पा रहे हैं। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके बैंक अकाउंट लिंक करने के ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे खुल जाएंगे। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं लोडिंग चल रही है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट लिंक, ठीक है ना, लिंक ए बैंक अकाउंट देख पा रहे हैं, और ये लिखा हुआ है कार्ड, कार्ड लिंक ए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं कि अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर पाएंगे। सिंपल यहाँ लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, तो आपको लिखा है लिंक ए न्यू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक ए न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे उनका प्रोसेसिंग वहाँ चालू हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ आपको वेट करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ आपका जो भी बैंक है उसका आईएफएससी कोड और यहाँ आपका अकाउंट नंबर, ठीक है ना, आप ये दोनों डाल दीजिएगा। चलिए मैं लिख के रखा हुआ है तो मैं अपना डाल देता हूँ। मेरा जो बैंक का नाम है वो पंजाब नेशनल बैंक है, ये लिखिए, मैं लिख ले डाल देता हूँ यहाँ पे, ये सॉरी आईएफएससी कोड डालना है, तो आईएफएससी कोड ये है मेरा, मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद डाल देंगे अपन, और यहाँ पर डालना है अकाउंट नंबर, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे भर देता हूँ, ठीक है। आपका जो भी हो आप डाल दीजिएगा। सिंपल आपको लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, लिंक यूअर बैंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक यूअर बैंक पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आप चंद सेकंड वेट करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू कन्फर्म यूर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब दोस्तों बताना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिगड़ इसकी आपकी पूरी प्रोसेस कभी पूरी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है हाउ टू कन्फर्म यूर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बताना चाहूँगा, ये आपको बोल रहे हैं कि भैया हमने दो स्मॉल डिपॉजिट, मतलब कि कुछ पैसे आपके बैंक अकाउंट में सेंड किए हुए हैं,
जो कि आपके 1.5 रुपये से कम है। हो सकता है 1 रुपये 20 पैसे भेजे हो, 1 रुपये 10 पैसे भेजे हो, या 1 रुपये 5 पैसे भेजे हो, जो भी पैसे भेजे, मतलब दो बार आपके अकाउंट में पेपल वालों ने पैसे भेजे हुए हैं 2 ट्रांजेक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होंगे 3 से 5 दिन के अंदर अंदर दे सकते हैं ना। इनका जो वर्किंग टाइम है वो 3 से 5 डे, आपके अकाउंट में जो आपका बैंक अकाउंट डाला हुई है, इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, उसमें 2 अमाउंट आएंगे जो कि 1 रुपये से 1.5 रुपये के बीच में रहेंगे, ठीक है, 2 बार पैसे आएंगे ना। हो सकता है 1 रुपये 50 पैसे आए, 1 रुपये 10 पैसे आए, 1 रुपये 20 पैसे आए। तो यहाँ आप देख पाएंगे नीचे लिखा हुआ है, जो भी आपके बैंक अकाउंट में अगर आप पासबुक को चेक करेंगे, जो भी आपको पैसा रिसीव्ड हुआ हो इनकी साइड से, आपको वो अमाउंट पहले वाला मैसेज पहली जगह पर डालना है, वो दूसरी वाला जो अमाउंट आया है वो यहाँ पर डालना है। मतलब कि ऐसे मान लो उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया हुआ है आपके बैंक में, उसकी पासबुक खोलेंगे, वो पासबुक में आप चेक करेंगे कि क्या आपके पास कोई भी 3 से 5 दिन के अंदर अंदर, या आज ही या कल या परसों, कोई भी अमाउंट आया है 1 रुपये 1.5 रुपये या 1 रुपये 20 पैसे, जो भी आया है, 2 मैसेज आएंगे, आपको पहला अमाउंट यहाँ पर डालना होगा और दूसरा अमाउंट यहाँ डालना होगा। उसके बाद सिंपल आपको ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली आपका बैंक अकाउंट आपके पेपल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी मेरा अकाउंट ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि इनका जो वर्किंग टाइम है वो 3 to 5 डेज का है। 3 to 5 डेज में ये मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भेजेंगे, जो पैसे भेजेंगे मुझे डालना होंगे, डालने के बाद मुझे ओके पे क्लिक करना होगा, ठीक है, तब ये मेरा कन्फर्म होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अनवेरीफाइड, ठीक है, जब वैसे आप ओके कर देंगे तो आपको दिखाएगा अनवेरीफाइड, और जब भी आपके पासबुक में या आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएं तो सिंपल यहाँ पे आप एडिट क्लिक करना, एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपके सामने वही वाला पेज खुल जाता है, ठीक है, आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा हुआ है, आपको कन्फर्म बैंक पे क्लिक करेंगे, आप जैसे ही कन्फर्म बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा, पहले वाला पहली जगह पर डाल दीजिएगा और दूसरा वाला दूसरी जगह पर डाल दीजिएगा, और फिर सिंपल आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली पेपल में ऐड हो जाएगा। दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है बैंक अकाउंट ऐड करने की पेपल में, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ गए होंगे। और कुछ शिकायत है, कुछ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे यहाँ जो करने पसंद करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूट्यूब वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।